नमस्कार, हम है MH43 इंडिया बैंड से। मेरा नाम है केयूर, यह है मेरा ग्रुप और हम लोग आए हैं खोपोली में दहीहंडी साजरा करने। मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग। मैं जब सामने देख रहा था मुझे सिर्फ सर और हाथ दिख रहे हैं। बहुत मजा आया। यू नो, हम लोग ने 1.5 साल पहले गाना चालू किया। ये सारे म्यूजिशियंस अलग अलग बैंड्स हैं, पर हमने एक बैंड बनाया जिसका नाम है MH43 इंडिया, क्योंकि हम नवी मुंबई से हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि नवी मुंबई का पासिंग होता है MH43, तो वो हमारी धरती है, हमारी जन्मभूमि है। वी हैव अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन। एवरीबॉडी से बूम शंकर। सर, आपने जाना चाहूँ, कुछ नर्वस थे इतने लोगों के सामने गाना। नर्वस तो हम बिल्कुल नहीं थे। हमको इस बात की टेंशन थी कि हम कितना ज्यादा मजा दे पाएंगे। हम जब भी आते हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत मजा दे पाए, तो हमने वही करने की कोशिश की और क्राउड नाचा कूदा। पिछले साल हम लोग एक ही कॉलेज से हैं, हम अभी भी पढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड ईयर में। और ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मेरा भाई है जो हमें सिखाता है, जो बताता है हमने क्या गाना चाहिए क्या नहीं। ये एक बहुत बड़े बैंड का वोकलिस्ट है। इसकी छत्र छाया में हम लोग ने एक बैंड चालू किया है और हम लोग एक कॉलेज बैंड है, पर इसकी कृपा से और भगवान की कृपा से आज नवी मुंबई में हम लोग ही एक बैंड है जो कमर्शियल करते हैं, और इस रीजन से हमको आज बुलाया गया। वी आर वेरी थैंकफुल। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, बस ऑडियंस है जिन्होंने हमको इतना ऊपर उठाया। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, पर ऑडियंस हमको ऊपर उठाती है तो हमको लगता है हाँ, कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने जो गाना गाया, नए तरीके से गाया, नए तरीके से पेश किया, तो क्या इस और बाकी जो बॉलीवुड के गाने उसको फिल्मों में अलग तरह से गाने का कोई प्लान है? हाँ, ऐसा प्लान तो है और कुछ चीजें मटेरियलाइज भी हो रही है। हम कुछ गानों को उठाते हैं और अपने म्यूजिक के तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं कि पावरफुल और पब्लिक को अंडरस्टैंड हो, ऐसा म्यूजिक बनाए। हमेशा ऐसा म्यूजिक बनाए जो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको समझे, सब थिरके। यही हमारा एक मोटिव है। लोग नाचे, लोग गाए हमारे साथ, बस हमारा म्यूजिक पहुंच जाता है। अरे नायक नहीं कर नायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं।